गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे फेस को देख के जज मत करना। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम। एंड हाँ, मैं टिकट लेके नहीं जा रहा हूँ। मुझे स्टार स्पोर्ट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉइंट्स वर्सेज मुंबई इंडियंस का मैच देखने इन्वाइट किया है। मेरी मुंबई इंडियंस फेवरेट है, आरसीबी से कम फेवरेट है। सेकंड फेवरेट मुंबई इंडियंस है, बट आरसीबी ऑन टॉप। बट फिर भी अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार मैं वानखेड़े जा रहा हूँ। किसी का तो मैच देखूंगा, है ना? मैं थोड़ा ना जा रही हूँ, इसलिए ऐसे रिएक्शन दे रही हूँ। नहीं, पर तू जा रहा है, मैं खुश हूँ। यस, एंड क्या पता मम्मी भी आ जाए वहाँ पर। नहीं, मैं गाड़ी से वापस आ जाऊँगी घर को। ओके, चल। और ये है गाड़ी, स्टार ने भेजी है हमारे लिए गाड़ी। और सबको पता है भेजता है स्टार दो लोगों के लिए 1 BHK जैसी गाड़ी। बकवास करके, इतनी बकवास सुमांश के अलावा कोई नहीं कर सकता। और कल दिल्ली जा रहे हैं, वहां से उत्तराखंड भेज दो। हाँ यार, भेज दो, मजा आ जाएगा। तो गाइस, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ ऋषभ पंत भैया का इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसके बाद वहीं से उत्तराखंड चल जाऊँ। मेरा तो ये मन कर रहा है, लेकिन उसके एक दिन बाद ही सुपर फंडे का शूट है टेलीकास्ट लाइव वाला, तो नहीं जा सकता। ठीक है, बट ठीक है यार। और गाइस, आज है, आज कौन सी तारीख है? समझ लो 7 दिन बाद मेरा बर्थडे है। चलो कोई नहीं, माँ गई थी अभी लोखंड वाला मेरे लिए शॉपिंग करने को, जा रहे हैं हमें। एंड मेरी अलग टी शर्ट फाइनली, मैंने ब्लैक वाली टी शर्ट रखी मेरी, मेरी अलग वाली टी शर्ट। जाने का टाइम कहाँ है? वहाँ तो फिर वहीं रुक जाते लाइन, तो इसीलिए हमने लोखंड वाला जहाँ से लेता हूँ मैं स्टार्केट्स, वहाँ से थोड़े से कपड़े ले लिए। एंड एक ये गॉगल लिया है, हम दिखाना मुझे। गाइस कैसा लग रहा हूँ, जो कमेंट छपरी मस्ती कर रही हूँ ले। हाँ, तो और फिर हमने कुछ टी शर्ट्स वगैरह लिए, घर पे दिखा लेंगे। घर पे अभी गाइस प्लीज घर पे दिखाएंगे। ये वाली टी शर्ट भी ली थी, घर पे दिखाऊंगा। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं नॉन स्टॉप ट्रेन, अभी कौन ये अर्टिगा वाली ट्रेन अभी कोई भी स्टेशन पे नहीं रुकेगी, सीधा वानखेड़े स्टेशन पे रुकेगी। ओके, वहीं जा रहे हैं अभी हम। अभी हम समुद्र के अंदर है ना अम्मा, ये पूरा टनल है समुद्र के अंदर। अंदर डीप, तो ये समुद्र के अंदर जाके पूरा टनल बना है। इधर भी समुद्र है, बीच में इधर भी समुद्र है, उधर भी समुद्र है, हम बीच में समुद्र के अंदर। तो ये है समुद्र के अंदर वाली टनल। कहाँ दिख रहा है? दिख तो रहा है, देखो दिख रही है। और वो देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या कहते हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट वैसे भी नहीं है, यहाँ पे गो और क्रॉस उस सब का है। और यहाँ पे देखो 60 लिखे हुए। और अभी हम समुद्र के बीच में, और ये कितने किलोमीटर लंबा है तो मुझे भी नहीं पता। हमें बस एक टर्न ले रहे हैं और फिर जा रहे हैं ड्राइव करके। इनमें लाइट्स हैं और ऊपर से यहाँ पे और लाइट आ गई ऊपर की, और हम ऊपर भी आ गए हैं समुद्र के। और ये देखो कितना प्यारा बीच है, को कितने सारे लोग हैं। मुंबई इंडियंस का देख ना, सारे ब्लू जर्सी में आए हैं, कोई भी LSG का दिख नहीं रहा है।
कोई तो पेंट वाले भी होंगे ऐसे आ, बट फिर भी पेंट भी करा रहे हैं अधिकतर ब्लू जर्सी में ही है अधिक क्योंकि उनका होम ग्राउंड है ना तो सपोर्ट करने तो ये देखो इतना बड़ा ग्राउंड है वानखेड़े स्टेडियम बहुत ज्यादा एंड सिक्योरिटी बहुत सारे सिक्योरिटी आई है उन सबको रोकने के लिए बिकॉज वो इतने सारे हो गए एंड बहुत ज्यादा क्योस हो जाएगा है ना ये देखो अभी हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं बहुत आगे आ गए क्योंकि गाइस सब लोग ब्लू में ही दिख रहे हैं मुझे ज्यादा जाऊंगा वानखेड़े स्टेडियम में पहनूंगा येलो बोलूंगा इस साल का अपना ये देखो इतना ज्यादा क्रेज है ना क्रिकेट का मुंबई इंडियंस का वो प्लेऑफ से बाहर हो गई है लेकिन फिर भी पर खेलती अच्छा है ना yes. कभी लक होता है कभी नहीं होता yes. गाइस ऐसे ही अभी गौतम सर भी आ रहे हैं और वो भी आ जाएंगे अब आप लोग फिर हम जाएंगे और मम्मी पापा वापस चल जाएंगे गौतम सर कितना एक्साइटेड हो आप अरे मैं अब तक चला जाता अंदर अब मुझे भी लाइन में लगना पड़ेगा मेरे पास तो एग्रीड है ये बैग मैं यही रख रहा हूँ हाँ रख दो रख दो ठीक है ये तो वापस लाइन में लगना पड़ेगा मुझे अब क्यों क्योंकि अब मेरे को इसके साथ एंट्री करनी पड़ेगी ना तो लाइन में क्यों लगना पड़ेगा आप लोगों के लिए डायरेक्ट नहीं है क्या इसके लिए वो है इसका एग्रीड नहीं बना इसका टिकट है ये रहा समाज का टिकट बहुत ज्यादा मजा आया कल एंड 24 मई को मेरा बर्थडे आता है इसीलिए आज 21 मई है तो इसलिए मैं जस्ट अभी आया हूँ अपने लिए शॉपिंग करने अभी ज़ारा जाऊँगा और शॉपिंग करूँगा अपने लिए चलो गाइस Naruto, Itachi Uchiha, Sharingan, One Piece is real. तो बिलिंग करवा रहे हैं। ये है भटूरे भटूरे ये है छोले छोले भटूरे मम्मी ने और मौसी और मम्मी यहाँ पे राज कचौड़ी लपेट रहे हैं और मैं लपेटूंगा चीज़ डोसा और पाव भाजी है ना तो गाइस डोसा भी आ चुका है पाव भाजी भी आ चुकी है अब ये मैं खाऊंगा गाइस कल जो जा रहा हूँ मैं स्टार स्पोर्ट्स अपने न्यू शूट के लिए और न्यू शो के लिए अभी वहाँ जाके साइड साइड कि उस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो क्योंकि न्यू शो और न्यू लोग तो वैसे वही भी रहेंगे बट फिर भी आई वॉज वेरी एक्साइटेड
सेम डे। अभी पापा के पैसों के तो मैंने कपड़े ले लिए थे, बट अभी मम्मा के पैसे बाकी हैं तो मम्मी दिला रही है मुझे। यस, मम्मी ने 10,000 रुपए दिए हैं मुझे। इतना झूठ बोला, 15,000 दिए, झूठ, इतना 5,000 कम करके बोल रहा है, मजाक कर रहा हूँ। और गाइस, मैंने प्री बर्थडे गिफ्ट भी इसको कम से कम कितने तीन तो 8,000 के इसको प्री बर्थडे गिफ्ट दिलाए। ठीक है तो अभी मम्मी दिलाने जा रही है। अभी भैया भी गाड़ी में ही हैं, उनके संग ही लिए थे उस दिन कपड़े और जूते और कपड़े और कुछ। मैं ऐसे कुछ नहीं गाइस, मैंने 15,000 दिया, उसमें जो लेगा ये, एक ही चीज ले 20 चीज ले, आई डोंट केयर, क्योंकि ये बहुत बदतमीज है, दुकान में जाके सब छाट। यू डोंट केयर, दुकान में जाके सब छाट लेता है। सो गाइस, अभी बस हम जा रहे हैं, ठंडी भी लग रही है गाड़ी में, भैया सामने। तो अब थर्ड वाली रो पे था और मम्मी आगे थी और वो सबसे आगे वाली रो है। ओके मम्मी, तो मिलते हैं लोखंड वाला में। गिफ्ट कितने भी महंगे हो पर हमारा काय नहीं उनके ऊपर बैठ के उनका ऐसी कम तैसी करेगा, उसके ऊपर बैठ के खा रहा है देखो, क्योंकि उसका भाई यहाँ खा रहा है तो वो भी यहाँ खाएगा। Yes, guys, सारे गिफ्ट के ऊपर बैठ में बैठते हैं, चाहे कुछ भी हो। फाइनली खाना वाना खा के अब मुझे टाइम मिल रहा है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैंने क्या लिया है। तो पापा और मम्मी दोनों का 20,000 मिक्स हुआ था मेरे लिए, उन्होंने दिया था, तो इसीलिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखाऊंगा शूज। तो फर्स्ट है ये शूज हैं एंड ये स्टॉकिंग्स के, तो मैं ज़ारा में भी ढूंढे थे ऐसे पर मिले नहीं, बट मिले नहीं थे। ये हैं बूट्स मेरे लिए, इसके निकालना। और देखो कायनी भी देख रहा है कि क्या लाया है भैया। और ये देखो इसका सोल कितना अच्छा है। और ये देखो, ये भी मुझे काफ़ी टाइम से ऐसे बूट्स चाहिए थे, बट आज मुझे किस्मत से मिल गए, बिकॉज मेरा बर्थडे है तो उन्होंने भी किस्मत से मुझे दे दिया। और ये है पहली शर्ट मेरी, ये शर्ट है एक है। और ये है एक और टी शर्ट। एंड फिर आता है बेस्ट चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है ये शूज़ के अलावा। एंड ये है बेस्ट चीज़, ये है पैंट, अच्छे से देखो, ये देखिए टॉप मॉडल मैम, टॉप मॉडल। और कहाँ गए, क्या ढूंढ रहा है? एक और है, ये देखो, ये है गाइस कायन, मुझे गिफ्ट किया था। अच्छा, कायन भी आपको फ्रेम में दिख रहा होगा। ये गाइस उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ये, क्योंकि मेरा बर्थडे था तो उन्होंने बोला हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से। ये लोग पहन के दिखाओ, इसीलिए ये कुछ ऐसे लगता है। कायू कहाँ घूम रहे हैं, वो भैया पहले मुझे 5,000 में बोल रहे थे 5,000, फिर उन्होंने बोला आप स्टार स्पोर्ट्स में आते हो, तो मैंने बोला हाँ भैया, तो उन्होंने मुझे डिस्काउंट में 3,000 करके दे दिया है मुझे। एंड ये है दुबई का ब्रांड कोई इश्कारा करके, एंड इसके फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सच्ची बता रहा हूँ। एंड इसके साथ मैंने रिंग्स भी ली थी, वो दिखाता हूँ आपको। भाई पहने, हट जा ब्रो, हट जा यार, रिंग्स तो मिली नहीं। रिंग्स है ना एक बॉक्स वाली में लगी, वो देखो तो साइड देते हैं टैब के बगल में। ओके, रिंग्स गाइस इधर पे सब मम्मी ने लिया है। यस, ये सब मम्मी ने लिया और पापा का अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो पापा ने लिया। सो ये मैंने लिया है बर्थडे के लिए, दो रिंग्स, एक ब्लैक वाइट एंड एक ऑफ क्रीचर्स करके उसको। एंड ये देख सकते हो, ये है ब्रेसलेट्स का भंडार, मम्मी ने मेरे लिए लिया। ये देख सकते हो, ये है रेड ब्रेसलेट, ब्लू ब्रेसलेट, ग्रीन ब्रेसलेट और ये कलरफुल वाला, ये सारे ब्रेसलेट हैं मेरे। एंड अब पापा वाला दिखाता हूँ जो पापा ने दिया मेरे को। तो सबसे पहले
ये है ब्लू डेनिम शर्ट, काफी अच्छी लगी इसलिए मैंने उठा ली ज़ारा से। यस ज़ारा से। एंड ये है प्लेन फॉर्मल पैंट, ये भी ज़ारा से। एंड ये है बलून पैंट्स और गाइस ये भी ज़ारा से। और ये है लास्ट चीज, ये भी ज़ारा से, ये मैं कल पेयर करूँगा वो वाइट पैंट और जूते के साथ अपने बूट्स के साथ। एंड बेस्ट चीज़ दिखाऊँ, ये है स्टारबक्स का सिपर, अगर मैंने दिखा दिया तो सॉरी, बट ये है सिपर। एंड ये परफ्यूम और सिपर मेरे फेवरेट है यार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसकी फ्रेग्रेंस। एंड इसका कूलेस्ट एक क्लासिक वाला सिपर है, पानी का मीठा टेस्ट आएगा आपको इसमें, इसलिए इतना महंगा है। तो बस इतना ही था। एंड कल मैं इन सब में से डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है, वो तो मैं ऑलरेडी पहनने वाला हूँ, ये भी पहनने वाला हूँ, शायद इसके नीचे से मैं पापा वाली ये वाली पैंट पहनूँगा और ये वाला एंड ये लगाऊँगा, तो देखते हैं। और इवनिंग भी पहनूँगा तो देखते हैं फिर, अब मज़ा आएगा बहुत। चलो बाय।